हेलो एवरीवन, ब्लूमिंग कॉर्नर इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको होम डेकोर और गार्डन डेकोर से रिलेटेड वीडियोस मिल सके। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत सारे डीआईवाईज बनाए हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा डीआईवाई है, उसे बनाने के लिए हमने ये जार लिया है जिसे चूहे ने कट कर दिया था, तो इसे प्रॉपर तरीके से हम कट करेंगे। तो फर्स्ट हमें इसे मार्किंग कर लेना है और फिर हम इसे कट करेंगे। कट करने के लिए आप सीजर यूज कर सकते हैं या फिर आपके पास में कटर है तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेन कटर लिया है, इसी से मैं कट करने वाली हूँ। आपको ध्यान से इसे कट करना होगा। जो भी आप कटर यूज करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूज करो, हाथ को लगने का डर हो सकता है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया है जिसे हम इस तरह से बनाएंगे, हाथों से ही इसे शेप देते जाएंगे। पेपर को प्रॉपर शेप देने के बाद यहाँ पे हम मास्किंग टेप का यूज करेंगे और उसे ग्लूगन की हेल्प से यहाँ पे चिपका देंगे। अगर आपके पास में ग्लूगन नहीं है तो आप फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं। इसे मैंने मास्किंग टेप से कवर कर लिया है और ऊपर से हम इसे चिपका दिया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे नारियल का छिलका लिया है जिसे हम प्रॉपर तरीके से खोल लेंगे और ये जो हमने बनाया है इसके ऊपर कवर करते जाएंगे। आपको ध्यान रखना है ग्लूगन आपके हाथ को ना लगे, ये गर्म होता है और इससे हाथ भी जलता है, तो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। अगर आपके पास में ग्लूगन नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज आप कर सकते हैं। इस लीड के ऊपर भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अच्छे तरीके से हमें इसे कवर करना है और फिर हम इसे सीजर की हेल्प से इसे कट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा का पार्ट है उसे हमें कट कर देना है। लीड को कवर करने के बाद में, उसे कट करने के बाद में जो पार्ट हमारा जार का है उसे भी हम इसी तरह से कवर करते जाएंगे। तो लीड के ऊपर के हिस्से को हमने इस तरह से चोटी से बांध लेना है, चोटी बनानी है एक, ताकि उसे प्रॉपर शेप मिल सके। आप चाहे तो यहाँ पे रबर का यूज कर सकते हैं या थ्रेड का यूज कर सकते हैं। इसे हाथों से हम इस तरह से बांधते जाएंगे। जार के ऊपर भी इसी तरह से हमें नारियल का छिलका लगाते जाना है। यहाँ पे भी हमने ग्लूगन का ही इस्तेमाल किया है इसे चिपकाने के लिए। इस तरह से आपको लगाते जाना है, वन बाय वन कवर करते जाएंगे इस पूरे हिस्से को। थोड़ा थोड़ा लेके ही आपको इसे लगाते जाना है ताकि ये पूरी तरह से कवर हो सके। जो जार का छिलका नीचे की तरफ आया है उसे कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा का छिलका है उसे निकाल देंगे और उसी छोटे छोटे छिलके को हम जो पार्ट वो सामने वाला है जहाँ पे हमने कट किया है वहां पे लगाते जाएंगे। इसे लगाने के बाद में अच्छे तरीके से इसे भी कट कर देंगे। छिलके को कट करने के बाद में, जो भी एक्स्ट्रा का छिलका था उसे कट करने के बाद में, जार को हमने उल्टा रखा है और उसके ऊपर ये लीड लगाएंगे। लीड लगाने के बाद में इसे अच्छे से चिपका देंगे और इसका बर्ड हाउस हम बनाएंगे। ये हमारा बर्ड हाउस बनके रेडी है। अभी बात आती है इसे डेकोरेट करने के लिए। तो अगेन हमने जो एक्स्ट्रा वाला जो पार्ट था उसे हम थोड़ा फिनिशिंग देते हुए जाएंगे और यहाँ पे भी नारियल के छिलका यूज करेंगे। इस बर्ड हाउस को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल फूल लगाए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे दो कंटेनर लिए हैं जिसे हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद में हम इस पाइप को इसके अंदर रखेंगे। अच्छे तरीके से हमें इस कंटेनर को ऑयल लगा लेना है, कोई भी ऑयल हम इसके अंदर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे सीमेंट लेना है, आप चाहे तो वॉल पुट्टी भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने सीमेंट लिया है। सीमेंट के अंदर हम पानी ऐड करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है और उसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए कोई भी आप स्टिक ले सकते हैं।
इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम यहाँ पे पाइप रखेंगे और उसके ऊपर इस कंटेनर के अंदर हमें इस जो हमने घोल बना लिया है सीमेंट का उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हम कोई भी चीज फेंकते नहीं है, कबाड़ जो भी है हमारे पास में उसका यूज हम अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा जो पाइप है ये जो ब्लू कलर का है ये एक्चुअली जो झाड़ू रहता है उसके पीछे की साइड है प्लास्टिक का, तो जो पाइप था उसको भी हमने यहाँ पे यूज किया। इसे अच्छे से रखने के बाद में ये हिल ना सके इसलिए हमें इसे कवर करना है इस तरह से। हमें एक दिन के लिए छोड़ देना है, टोटली ड्राई हो जाएगा तब ही इसे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ड्राई हो चुका है, अभी धीरे धीरे करके हमें इसे निकालना है। आप देख सकते हैं कि ऑयल लगाया था तो ये इजीली निकल गया। इसे निकालने के बाद में ये जो एक्स्ट्रा का लगता है हमें, तो इसे भी हम क्लीन कर सकते हैं साइन पेपर की हेल्प से। अब बारी आती है दोनों पाइप को कलर करने की, तो कलर करने के लिए यहाँ पे मैंने ऑयल पेंट लिया है। आप चाहे तो कोई भी पेंट यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोनों इस पे ऑयल पेंट किया है, ग्रीन भी ऑयल पेंट है। इसे अच्छे से कलर करने के बाद में हम डेकोरेट करेंगे। तो पाइप को हमने ड्राई कर लिया और उसके बाद में इसके ऊपर पोल्का डॉट्स हमने बना दिए। इस तरह से हमने डॉट्स लगा दिए। इसे भी रेडी होने के बाद में हम सुखाने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का लीड लिया है जिसके ऊपर मैंने इस तरह से कलर कर लिया था, उसे भी हमने ड्राई कर लिया। और जो हमने बर्ड हाउस बनाया है उसे हमें चिपकाना है। चिपकाने के लिए यहाँ पे मैंने क्ले लिया है, आप चाहे तो एमसील का भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू है उसका भी यूज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्ले यूज करते वक्त उसे आपको फेविकॉल लगाना है अच्छे से और फिर क्ले यूज करना है। इसे पक्का हम इसके ऊपर होने देंगे। इसे टोटली ड्राई होने के बाद में हम आगे की प्रोसेस करेंगे। बर्ड हाउस को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल क्रीपर लिया है जिसे हम यहाँ पे चिपकाएंगे। यहाँ पे हम ग्लूगन का ही यूज करेंगे। इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हमने जो पाइप बनाया था उसको भी हम डेकोरेट कर देंगे। और डेकोरेट करने के बाद में इसके ऊपर के साइड में हमें इसे लगाना है, तो यहाँ पे हमने अगेन क्ले का ही यूज किया है। क्ले या फिर एमसील से ये इजीली चिपक जाता है, इसे पक्का हमें इसके ऊपर दबा के हमें इसे चिपकाना है और इसे ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद में हमारा बर्ड हाउस रेडी है। तो आप देख सकते हैं बर्ड हाउस हमने बनाया था उसे हमने इस पाइप के ऊपर रखा है और उसे अच्छे से चिपका दिया है। अभी ये रेडी हो चुका है। किसी भी गार्डन में ये आप रख दो, अच्छा लगेगा हमारे गार्डन को, ये डेकोरेट बनाएगा और भी सुंदर लगेगा। नेक्स्ट मुझे कबाड़ में एक छोटी सी खिलौने वाली टोकरी मिली है जिसे हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए अगेन हमने यहाँ पे व्हाइट ऑयल पेंट लिया है जिसे अच्छे से कलर करके इसे ड्राई कर लेंगे। ड्राई होने के बाद में हम इसके अंदर राइस लाइड ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पैक कर देंगे। ऊपर से ये इसकी लीड जो है उसको हम पैक करेंगे और उसका बटन बाहर रखेंगे ताकि हम उस बटन का यूज कर सके। इसके अंदर हमने बॉटल क्रॉक राइस लाइट ऐड कर दी है और हम इसके ऊपर अभी चिपकाने वाले हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्ले लिया है जिसका यूज हम फेविकॉल का यूज करके इसके ऊपर चिपकाएंगे। फेविकॉल को पहले लगा लेना है और इस टोकरी को इसके ऊपर चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और इसे भी डेकोरेट कर देंगे। इस तरह से हमें लगाना है। डेकोरेट करने के लिए अगेन हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल क्रीपर और कुछ फूल लिए हैं। फूल पत्तियों का यूज करके इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो पॉम्पम बॉल का भी यूज कर सकते हैं, जो भी चीजें हैं। और इस बटन को हमने बाहर रखा है ताकि इसे भी हम बार बार ना हिले, इसलिए इसे भी चिपका दिया है ताकि ये एक जगह पे रह सके। इस तरह से हमारा बोलार्ड गार्डन लैम्प रेडी हो चुका है। आप किसी भी कॉर्नर में इसे रख सकते हैं, इनडोर आउटडोर हम इसे रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डीआईवाई के लिए हमने यहाँ पे बॉटल लिए हैं। इसे हम ऊपर की साइड में सिल्वर फॉइल पेपर से इस तरह से गोल बनाते जाएंगे। इस तरह से हमें शेप देते जाना है। इसे चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने मोल्डेड क्ले का एक शीट बना लिया था जिसे इस तरह से सर्कल शेप में लगाते जाएंगे। क्ले को चिपकाने के लिए यहाँ पे हमने फेविकॉल का ही यूज किया है। अगर क्ले ड्राई है बहुत ज्यादा तो आप पानी का हेल्प ले सकते हैं, या फिर बहुत ज्यादा स्टिकी है क्ले तो आप टेलकम पाउडर का यूज करके इसे लगा सकते हैं।
हाथों के ऊपर ये चिपक ना सके तो आप टेलकम पाउडर का यूज करो। टोटली ड्राई होने के बाद में हम इसे व्हाइट कलर लगा देंगे। इस तरह से हमने दो बोतल रेडी कर लिए हैं। इसे कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर या फैब्रिक कलर भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, आपको समझ में आया होगा कि हम यहाँ पे डॉल्स बना रहे हैं। इस तरह के डॉल्स आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे बनाएंगे अपने हाथों से। कलर को हमें अच्छे से ड्राई होने देना है और फिर हम इसके ऊपर डिटेलिंग करते जाएंगे। डिटेलिंग करने के लिए आपको कोई भी बारीक ब्रश का यूज करना है। आप चाहे तो 000 नंबर का भी ब्रश यूज कर सकते हैं, काफी अच्छे से डिटेलिंग उससे हो सकती है। सभी प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा ताकि ये कलर ड्राई होने के बाद में आप दूसरा कलर लगा सके। इसे अच्छे से आपको ड्राई कर लेना है। किसी भी कलर को आप कलर करते हैं तो पहला कोट आपको अच्छे से ड्राई होने देना है और नेक्स्ट कलर कर सकते हैं आप उसके ऊपर। आपके लिए एक और जरूरी बात, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस देखने को मिल सके। और जो भी है वीडियोस के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने महाराष्ट्रियन जो कपल रहता है उसे हमने बनाने की कोशिश की है। तो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा जरूर कि DIY हमारे कैसे बने हैं। इस तरह के DIY बना के आप हमारे एक व्यूअर से जिन्होंने मुझे बताया था कि मैंने ये मतलब पीछे वाला जो इसके पहले वाला जो वीडियो था वो डिटेल्स में उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो इस बार मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है पूरी तरह से अच्छे से। तो प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। कभी कभी टाइम मिलता है तो अच्छे से बात हो सकती है और कभी कभी टाइम नहीं मिलता है तो डिटेल बता, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरी तरह से अच्छे से बताऊँ, डिटेल्स में बताऊँ सभी वीडियोस। तो प्लीज़ बताइएगा ये आपको DIY कैसा लगा। आज के DIY अच्छे लगे तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, लाइक करना है और ढेर सारा प्यार आपका मुझे भेजना है प्लीज। इस तरह की जो बॉटल्स होती है, आप चाहे तो दवाइयों की जो बॉटल होती है उससे भी आप ये डॉल्स बना सकते हैं, काफी सुंदर लगते हैं। इस तरह की डॉल्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाती है बट वो थोड़ा कॉस्टली रहती है, तो आप खुद बना सकते हैं काफी। और आप इसे भी गार्डन डेकोर में, होम डेकोर में कहीं पे भी इसे रख सकते हैं। चलते हैं हमारे लास्ट DIY की तरफ, जिसके लिए हमने ये प्लास्टिक बॉटल लिया है। आप चाहे तो कोई भी ग्लास बॉटल भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे उलन लिया है व्हाइट कलर का। आप चाहे तो माइक्रम का जो थ्रेड आता है उसको भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी लेस है उसका भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हैंग करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे टाई कर लेंगे इस रस्सी को। टाई करने के बाद में हम ग्लू गन से इसके ऊपर चिपकाएंगे और इस बॉटल के ऊपर के हिस्से को इसी से रैप करते जाएंगे। यहाँ पे हमने ग्लू गन लिया है। आप चाहे तो कोई भी फेविकॉल या कोई भी ग्लू आप ले सकते हैं। सिंपल हमें इसके ऊपर लगाते जाना है। लगाने के बाद हम इसे कट कर देंगे। बहुत ही सिंपल सा हमारा आज का ये लास्ट वाला DIY है। ऊपर के हिस्से को कवर करने के बाद हम इसके ऊपर आर्टिफिशियल कुछ फूल लगा देंगे और उसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉटल राइस लाइट। जो बॉटल क्रॉक राइस लाइट आती है वो इजीली कहीं पे भी मिल सकती है क्राफ्ट स्टोर पे और बहुत ही सस्ती आती है। 50 रुपए में मैंने ये बॉटल क्रॉक लाइट ली थी। आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ऐड करने के बाद में जो बॉटल क्रॉक है वो ऊपर के साइड में हम रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही प्यारा सा बॉटल लैम्प रेडी हो चुका है, बॉटल हैंगिंग लैम्प हम इसे कहेंगे। और इसे आप गार्डन में किसी ट्री के ऊपर या फिर
घर के अंदर आप इंडोर आउटडोर कहीं पे भी आप रख सकते हैं। आप इसे गार्डन डेकोर में भी बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं और काफी सुंदर लगता है। इस तरह का सिंपल DIY आप भी करके देखिए, आपको भी मजा आएगा। तो ये हमारा हैंगिंग बॉटल लैंप रेडी है। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगले हफ्ते हम जरूर मिलेंगे जल्दी से जल्दी बहुत सारे नए DIYs के साथ में। तो तब तक हमारे पुराने और नए वीडियोस देखिए और एंजॉय कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।